हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंच ऑफ फ्लेवर्स। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया एक स्नैक रेसिपी, वो है तंदूरी पनीर समोसा। समोसा किसे नहीं पसंद है। तंदूरी मसाला रेसिपी भी मैं इसी में बताऊँगी, ग्रीन चटनी भी मैं इसी में बताऊँगी। तो चलिए सुनाते हैं इसकी क्रिस्पीनेस की आवाज़ आपको, है ना बढ़िया क्रिस्पी बना है ना। वेबसाइट का लिंक नीचे दिया है, pinchofflavors.com। बहुत सारी रिटन रेसिपीज है डिटेल ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए पिंच ऑफ फ्लेवर्स को अगर नए हैं तो। तो चलिए आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। तो ग्रीन चटनी बनाना, यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स दे दिया है। ये देखिए सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ मिक्सर में डाल दिया है, लेमन जूस के साथ, थोड़े सा पानी के साथ। अब इसको अच्छे से एक फाइन स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। बढ़िया स्मूथ ग्रीन चटनी रेसिपी रेडी है। अच्छा, डो के लिए अब ऑल पर्पज फ्लोर 2 कप्स, कैरम सीड, अजवाइन 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, घी 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे। अब इसके कण कण में आप अच्छे से मोयन डाल लीजिए। मोयन अच्छा रहेगा तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए इस तरीके से अगर बाइंड होता है मतलब कि रेडी है। अब थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे और एक स्मूथ सॉफ्ट सा डो हम रेडी कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया समोसा बनेगा। तो चलिए अब इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसे ढक के रख दीजिए 20 मिनट तक के लिए। तंदूरी मसाला का इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। उसके लिए चाहिए हमें कोरिएंडर सीड्स 1 टेबलस्पून, क्यूमिन सीड्स 1 टेबलस्पून। इसको सॉटे कर लेंगे 20 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए। उसके बाद ब्लैक पेपर कॉर्न, कार्डेमम, क्लोव, सिनेमन स्टिक, जावित्री, रेड ड्राई चिली, कसूरी मेथी 1 टीस्पून। ड्राई रोस्ट अच्छे से कर लीजिए आप 2 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे। गैस को ऑफ कर देंगे, ठंडा करेंगे। उसके बाद एक कोर्स सा पाउडर हम ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए नटमेग पाउडर, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून ईच। अब इसे कोर्स सा पाउडर हम ब्लेंड करके रख देंगे साइड में। मसाला रेडी है। चलिए अब स्टफिंग, एक पैन गरम कीजिए, इसमें घी डालिए 1 टेबलस्पून, जिंजर चॉप 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली चॉप 4 ले लीजिए, चॉप करके डाल दीजिए 30 सेकंड्स के लिए हम सॉटे करेंगे। किशमिश डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए 2 टेबलस्पून ईच, काजू को चॉप करके डालिएगा, सॉटे कर लीजिए 1 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब डालेंगे पनीर के क्यूब्स, मैंने यहाँ 200 ग्राम्स लिए, छोटे छोटे मैंने पनीर यहाँ पे काट लिए थे, 2 मिनट तक के लिए फ्राई किए हैं। अब इसको अच्छे से बाइंड हो जाए इसलिए मैंने पोटैटोस को एक बॉईल कर लिया था, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 3 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को आप कुक कर लीजिए। अब इसमें टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। चलिए अच्छे से सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे फ्रोजन पीस लिया है 1/3 कप, कैप्सिकम मैंने चॉप करके ले ली है 1/2 कप, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, और 4 मिनट तक अच्छे से इसे पका लीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें पकाना है। अब फ्रेंड्स इसमें हम अपना तंदूरी मसाला पाउडर जो रेडी किया था 2 टीस्पून डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। 2 मिनट तक के लिए और पकाइए ताकि मसाला पक जाए। तंदूरी है तो थोड़ा सा दही डाल दिया है, ऑप्शनल है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ डाला है। थोड़ी देर तक और थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से 1 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे। बस ओवन बंद कर दीजिए, प्लेट में निकाल लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए। इसे तो हम रोटी से ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन समोसा बनाएंगे तो। चलिए अब डो को हम इस तरीके से हम कपड़े को हटा देंगे। अब डो को थोड़ा सा और नीट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। चलिए अब इक्वल पोर्शन में इसे, मैंने यहाँ पे मुझे 5 पोर्शन मिल गए थे, ये देखिए बड़े बड़े 5 पेड़े इस तरीके से मिल गए थे। अब थोड़ा सा एक सर्कल लेके हम थोड़ा सा इसे रोल कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए ओवल शेप में, ठीक है। अब इसे हाफ इस तरीके से देखिए हम काट लेंगे, इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। एक चाकू की मदद से मैंने यहाँ काट लिया है, ये देखिए इतना मैंने इसका थिकनेस रखा है, ये देखिए इस तरीके से इतना थिकनेस आप रखिए। ओके, इस तरीके से सारे के सारे हम रेडी करके एक प्लेट में रख लेंगे। अब एक पोर्शन लिया मैंने, 1/2 पोर्शन इस तरीके से, थोड़ा सा और बेल के इसे थोड़ा सा पतला कर लीजिए क्योंकि हम स्टफिंग भरेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। अब जो साइड वाला ये जो पोर्शन है, जो सीधा वाला पोर्शन है, उसमें हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, वाटर अप्लाई करेंगे। ये देखिए इतना सा थिकनेस मैंने रखा है। अब थोड़ा सा आप पानी लगा लीजिए इस तरीके से इस साइड पे। अब इसे एक कोन का स्ट्रक्चर, इसको आप शेप दे दीजिए इस तरीके से, आप दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए अपने फिंगर से, कोन बन गया है। अब अच्छे से अपनी स्टफिंग भरेंगे, पनीर की जो स्टफिंग है वो हम इसमें भर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने भर दिया है। ओके, अब सारे एजेस पे हम पानी लगाएंगे इस तरीके से, देखिए। अब एक साइड को इस तरीके से हम मोड़ देंगे, देख लीजिए अच्छी तरीके से मैंने मोड़ लिया है इस तरीके से। अब इस
जो साइड को मैंने मोड़ा है उसको खींच के मैंने दूसरे साइड में चिपका लिया है। अब सारे के सारे जो साइड्स थे अच्छे से मैंने चिपका लिए। ये देखिए इस तरीके से, अब थोड़ा सा इस तरीके से बेंड कर दीजिए ताकि ये खड़ा हो सके जब भी आप इसे प्लेट के ऊपर रखें। तो बस रेडी है, एक और बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। साइड्स में पानी लगाया, एक पोर्शन को इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है। अब जिसको फोल्ड किया था उसको मिला लिया है, सारे एजेस को मैंने इस तरीके से कोन मिला लिया है, थोड़ा सा बेंड कर लिया। बस रेडी है, सारे के सारे समोसे रेडी कर लीजिए फ्रेंड्स। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे, आप चाहिए तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं। गरम तेल ये देखिए इस तरीके से कढ़ाई में मैंने मीडियम आंच पे रखा है। मीडियम आंच पे हम चार समोसे वन एट ए टाइम हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे इसे। तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा देर में इसे फ्लिप करते रहिएगा मीडियम फ्लेम पे, सब जब तक कि गोल्डन ब्राउन ऑल साइड से ना हो जाए तब तक फ्राई कीजिए। बस गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे, किचन टिश्यू भी निकाल लीजिए ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस समोसे को, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी समोसा है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। फिलिंग बहुत ही बढ़िया बनी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई हो तो पिंच ऑफ फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ।